हेलो, माय सेल्फ करमबीर सिंह, सीनियर लेक्चर मैकेनिकल फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज के इस ई लेक्चर में अपना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एमई 307 की दूसरी यूनिट का टॉपिक इन्वेंट्री कंट्रोल की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें दिया हुआ है कि किसी भी कंपनी में एनुअल यूज यू का मान 60 यूनिट्स है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पी का मान ₹15 पर ऑर्डर है, कॉस्ट पर पीस सी का मान ₹100 है और कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री आई ए परसेंटेज इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर ऑन ऑब्सोलेंस एंड डिटोरेशन मीन्स इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है जो है 10%। कैलकुलेट ईओक्यू, अपने को इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी ज्ञात करनी है। अपना जानते हैं कि क्यू बराबर होता है अंडर रूट 2UP/CI, जिसमें U एनुअल कंजप्शन है, P प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर है, C कॉस्ट पर पीस है और I कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री इन परसेंटेज है। तो इसमें जब अपना मान रखते हैं उपरोक्त में, तो दे रखा है कि U बराबर 60 यूनिट्स है, P बराबर ₹15 है और कॉस्ट पर पीस C बराबर 100 है और I बराबर दे रखा है 10%। इसमें मान रखने पर 2×60×15/100×10/100 ये आ जाता है 13.41। लेकिन अपना जानते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो है वो राउंड ऑफ फिगर में ही हो सकती है। तो अपना देखते हैं कि इस क्वांटिटी का भाग जब अपना एनुअल कंजप्शन में देते हैं तो अपने पास 60/13.47 4.47 ऑर्डर आते हैं, यानी कि एक साल में अपने को 4.47 ऑर्डर देने पड़ेंगे। परंतु अपना जानते हैं ऑर्डर या तो अपना पूरा ही दे सकते हैं, तो या तो 4 दे सकते हैं या 5 दे सकते हैं, क्योंकि 4 से ज़्यादा है। तो मान लीजिए अपना साल में 5 ऑर्डर देते हैं तो उससे ईओक्यू का मान आता है 60/5, यानी कि 12 यूनिट्स इकाई अपने को एक बार में खरीदनी चाहिए। यही वैल्यू कहलाती है ईओक्यू, क्रेदेश मात्रा। दूसरी प्रॉब्लम जो है उसमें दे रखा है अपने को प्रयोग में लाई गई वार्षिक मात्रा यू का मान 50 यूनिट, अधिप्राप्ति लागत प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पी का मान ₹60 प्रति ऑर्डर, धारण लागत प्रति अदद C1 बराबर ₹400 प्रति अदद प्रति इकाई मिले, धारण लागत का प्रतिशत जिसमें निष्प्रयोजन लागत टैक्स इंश्योरेंस नियत है C2 बराबर 10%। याद कीजिए EOQ, ये C2 अपने पहले प्रॉब्लम में जैसे अपनों ने आई रखा था वही यहाँ C2 है। तो उसके अनुसार क्यू बराबर हो गया अंडर रूट 2UP/C1×C2। इनमें मान रखने पर वार्षिक कंजप्शन एन यू बराबर दे रखा 50 यूनिट्स तो यू बराबर 50, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पी का मान दे रखा 60 तो × 60 बटे सी का मान दे रखा है प्रति इकाई यूनिट की कॉस्ट ₹400 तो बटे 400 × C2 का मान यानी I का मान दे रखा है 10% तो × 10/100। इसको जब अपने निकालते हैं तो ये राउंड अप करने पर इसकी वैल्यू आती है 12 यूनिट्स, यानी कि 12 इकाई अपने को प्रति ऑर्डर देना चाहिए। यही चीज़ कहलाती है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, मितवई आदेशित मात्रा। इसी तरह थर्ड प्रॉब्लम अपना ले रहे हैं जिसमें अपने को दे रखा है मितवई क्रियादेशित मात्रा का मान निकालना है अपने को। इसमें एनुअल कंजप्शन यू का मान दे रखा है 30,000 यूनिट्स, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दे रखी है आपको 12% पर ईयर और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट दे रखी है ₹280 प्रति ऑर्डर, लागत की प्रति इकाई यूनिट की इकाई दे रखी है ₹8। इसमें अगेन अपना उसी फार्मूले में ईओक्यू बराबर अंडर रूट 2UP/C1×C2 जब मान रखते हैं तो 2×U=30,000×P=280/C=8 I=12/100। तो इसको जब अपना राउंड अप करके यूनिट निकालते हैं इसका मान आता है 4,183 यूनिट्स। इस तरह ये अपना इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी निकालते हैं जो मैंने आपको 3 उदाहरणों से समझाया। धन्यवाद।